हाँ नमस्ते बच्चों, आज बसंत भाग दो उसका पहला पार्ट है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के इसको पढ़ेंगे। इसके कवि है शिव मंगल सिंह सुमन। कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने आजादी के महत्व के बारे में बताया कि आजादी हम मनुष्य को ही प्यारी नहीं है बल्कि पशु पक्षियों सबको प्यारी है। कवि ने यहां पक्षियों के माध्यम से हमें आजादी के बारे में बताया कि पक्षी भी कहते हैं कि यदि सुख सुविधा पूर्ण उनको पूरा जीवन व्यतीत करने को दिया जाए, पूरी सुविधा एक साथ दी जाए, पर फिर भी जैसे मौका मिलेगा वो पिंजरे से रबाड़े से बाहर जाने का प्रयास करें। तो देखते हैं कविता, पहले इसमें छह पैराग्राफ है। पहले पैराग्राफ में हम पंछी उन मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि शिवमंगल सिंह सुमन कविता के पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हम ऐसे पक्षी हैं जो स्वतंत्र आकाश में उन्मुक्त स्वतंत्र गगन आकाश में स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद करने पर गा नहीं पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे, बल्कि पिंजरे से उड़ने के लिए जो पिंजरे की कनक तीलियां है, सोने की जो तीलियां है, उसे टकराकर हमारे जो कोमल पंख है, उड़ने के लिए उतावले जो पंख हो रहे हैं वो टूट जाएंगे। आगे कवि कह रहे हैं हम बलता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम बहते हुए पानी को पीने वाले हैं, जहां झरना है नदी है वहां के पानी पीने वाले हैं, और यहां जो आपने पानी रख रखा है उसको हम नहीं पी पाएंगे। हम मर जाएंगे भूख और प्यास के मारे। हमारे लिए तो कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। अरे हमारे लिए तो बहुत अच्छी यह है कि बाहर कड़वी निगोरी मिल जाएगी, नीम का फल निगोरी, बाहर कड़वी निगोरी मिल जाएगी वही हमें अच्छी लगेगी, बाहर बहता हुआ पानी मिल जाएगा जलने का वही हमें अच्छा लगेगा, बल्कि आपने जो यहाँ रख रखा है कनक कटोरी की मैदा से, कनक सोने की कटोरी की मैदा में आप सॉरी कनक सोने की कटोरी में आपने मैदा रख रखा है, अच्छा खाना रख रखा है, फल रख रखे हैं, या फिर आपने पानी रख रखा है, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। इससे हमारे लिए ये बेहतर है कि हमें बाहर स्वतंत्र रह करके कड़वी निगोरी मिल जाए, बहता जल मिल जाए, वही हमारे लिए अच्छा रहेगा। फिर आगे कवि कह रहे हैं स्वर्ण संकला के बंधन में अपनी गता गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं कर्म की कुंडी पर दे दूले। स्वर्ण संकला के बंधन में तुमने ये सुख सुविधाएं पूर्ण जीवन में बंधन कर दिया, हमने सुख सुविधाएं देकर के बांध दिया, रोक दिया, हमें पिंजरे में बंद कर दिया। इस बंधन में इस प्रतंत्रता में हम अपनी गति उड़ान सब भूले, हम अपनी पहचान भी भूल गए, अपनी चाल भी भूल गए, और बस सपनों में देख रहे हैं तरु फुलकी के बदले तरु पेड़। बस अब तो मन में इच्छा आती है, सपने देखते हैं, पेड़ की ऊंची डाली पर बैठ करके हवा के साथ उसको झूलते हुए बस अपना सपना याद आता है, क्योंकि अब पिंजरे में बंद है। कभी आगे करें ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले जब की सीमा पा गए, हमारी ऐसी इच्छाएं थी, ऐसी हमारी कल्पनाएं थी कि हम नीले जब की सीमा पा गए, इस नीले आकाश की सीमा को पा जाए, इतने ऊंचे उड़ते उड़ते चले जाए और लाल किरण सी चोंच खोल। लाल किरण, बच्चों यहां पर थोड़ा सा कवि ने विशेषण दिए हैं। लाल किरण, सूरज की किरणें जब निकलती है, लाल लाल किरणें प्रातः काल, तो रात्रि के समय जो तारे निकलते रहते हैं वे समाप्त हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से कवि पक्षियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हमारी चोंच रूपी लाल किरण से हम तारे रूपी अनार के दानों को चुग लेते, हमारा पेट भर लेते, दाने चुगते प्रातः होते। फिर आगे कभी कहते हैं
होती सीमा इन क्षितिजे इन पंखों की ओड़ा ओड़ी, जब सवेरा हो जाता तो हम आपस में उड़ते, आपस में प्रतियोगिता करते, पंखों की ओड़ा ओड़ी होती, मुकाबला होता उड़ने का, और उड़ते उड़ते या तो सीमा इन क्षिति बच्चों क्षिति जो जगह कहते हैं जहां देखने पर ये आकाश और धरती एक साथ मिलते हुए नजर आते हैं उसको क्षितिज कहते हैं। तो या तो क्षितिज में नहीं बन जाता, या तो हम क्षितिज तक चले जाते हैं, मंजिल तक चले जाते हैं, या फिर हम हमारी सांसें फूलने लग जाती, हांफने लग जाती, थक जाते हैं। फिर आगे कभी करें निर्णय जो चाहे कहने का आश्रय चिन्ह भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए तो आपने उड़ान में भिन्न डालो। कभी कह रहे निर्णय दो, निर्णय मतलब घोसला, मत दो चाय टहनी का। हमारे पेड़ की टहनी में जहां घोसला बनाते हैं आबले से, वहां से टहनी को काट दो, पेड़ को काट दो, वहां घोसला मत बनाने दो। चाहे आश्रय चिन्ह भिन्न कर डालो, पेड़ों को समाप्त कर दो, हमें वहां भी मत रहने दो, लेकिन पंख दिए हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो आपको उड़ान में विघ्न न डालो। तो फिर हमारे जो उड़ान है, उड़ने की जो इच्छा है, उसमें रुकावट मत डालो, हमें उड़ने दो। तो बच्चों ये कविता का सरलार्थ है। ये कठिन शब्द है, उन्मुक्त स्वतंत्र कनक सोना पुलकित कोमल स्वर्ण संकला सोने की तीलियां कुंगी पेड़ का सबसे ऊपरी भाग अरमान इच्छा सीमा सरल बोली अच्छी बंधन प्रतंत्र। और ये पर्यायवाची है, नर आकाश गगन आसमान पंछी पक्षी कव व्य सपना कल्पना इच्छा चार जल पानी नीर पाए पेड़ तरु वृक्ष विटप स्वतंत्र आजाद मुक्त बंधन मुक्त स्वर सोना और तरंग। अब इस कविता पाठ को आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ लेना और इसके कविता को आप लिख लेना। धन्यवाद, धन्यवाद बच्चों।